पता है कि बीजेपी का साजिश है, षड्यंत्र है। तो आज वास्तव में पूरे झारखंड की जनता अधिक भ्रमित है। सरकार ने क्या नीति बनाई, कौन सा नीति बनाया, अब वो 60-40 की बात करते हैं। अरे इससे तो अच्छा रघुवर दास जी ने कम से कम 85 को कट ऑफ डेट माना था और अगले 10 वर्षों के लिए सभी सर्विस को, मैंने थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी को झारखंड वासियों में उन्हें रिजर्व कर दिया। लेकिन हेमंत सोरेन की सत्ता में आते हैं उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। तो इसलिए आप जरा सोचिए कि झारखंडियों की हितैषी कौन है, बीजेपी है या झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल। अब तो सारे लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए चलते सत्र में वो जवाब नहीं दिया, आज वो क्या अंतिम भाषण में वो भी एक बात को रख देंगे। यानी आप समझ सकते हो किस प्रकार से स्थानीय और नियोजन नीति से सरकार भाग रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।